12 महीने, XUV700, 18 महीने, स्कॉर्पियो, 2 साल, इतना वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड के रीजंस तो हमको पता ही है, बट यहाँ हम आपको बोलेंगे कि वेटिंग पीरियड एक स्कैम है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रीजंस है। पहला, क्लेवर मार्केटिंग। कार मेकर्स के लिए वेटिंग पीरियड एक अवार्ड जैसा हो गया। आप किसी भी गाड़ी में 6 महीने, 10 महीने, 1 साल तक की वेटिंग पीरियड देखते हैं तो दिमाग में यही आता है ना कि ये गाड़ी सुपरहिट है। ऐसे कुछ डीलर्स भी हैं जिन्होंने नई गाड़ी का वेटिंग पीरियड बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है। दूसरा, पैसा बाबू भैया। हाल फिलहाल कुछ सालों में नई गाड़ी की डिमांड बढ़ी है और इसी डिमांड और वेटिंग पीरियड का फायदा डीलरशिप ने उठाया। कुछ केसेस में तो पॉपुलर गाड़ियां जैसे XUV700, थार, सफारी के लिए डीलरशिप ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे गाड़ी जल्दी डिलीवर करने के लिए। कुछ डीलरशिप ने तो लाचार ही बना दिया, या तो 1 साल वेट करो, कलर में कॉम्प्रोमाइज करो, या ज्यादा पैसे दो, हाई एंड मॉडल लो और गाड़ी ले जाओ। तीसरा, लो क्वालिटी कार्स। देखिए, नो डाउट कोविड के बाद कार मैन्युफैक्चरिंग पे मेजर हिट आया है, जिससे कार मेकर्स को आउटपुट बढ़ाना पड़ रहा है। इससे गाड़ियां तो जल्दी बन रही है, बट क्वालिटी डाउन जा रही है। आपकी ड्रीम कार पे कितना वेटिंग है हमें बताएं कमेंट्स में। और ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।